myself Alka and welcome to our excellence family. चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जिसमें हमारा टॉपिक है कंपनी। आज हम जानेंगे कंपनी क्या होती है और कैसे कंपनी अस्तित्व में आई है। तो फ्रेंड्स नॉर्मली आप इस वर्ड का यूज करते हो, जैसे आपको मार्केट जाना है तो आप अपने फ्रेंड को बोलते हो यार मुझे तेरी कंपनी चाहिए। तो कंपनी का मतलब यहाँ होता है साथ, कि मुझे तेरा साथ चाहिए कहाँ मार्केट जाने के लिए, या फिर आप ऐसा बोलते हो कि यार मुझे तेरी कंपनी चाहिए खाना खाने के लिए। ऐसे बहुत सारे कामों के लिए आप अपने फ्रेंड्स का क्या लेते हो, साथ मांगते हो। तो इसी तरीके से पहले कंपनी में भी क्या होता था कि पुराने जो व्यक्ति थे वो एक साथ मिलकर खाना खाते थे, तो वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। वो खाना खाते थे और व्यापार से संबंधित बातों को करते थे, लेकिन धीरे धीरे आज इसका रूप बदल गया। आज व्यक्ति एक साथ खाना तो खाते हैं लेकिन साथ में आज व्यक्तियों ने एक साथ बिजनेस करना भी शुरू कर दिया है ना। तो अब ये जानो कि कंपनी की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब कि ये नाम अस्तित्व में कैसे आया। तो कंपनी का जन्म फ्रेंड्स प्रवर्तन से माना जाता है, ठीक है। प्रवर्तन का मतलब होता है विचार। जब कोई आइडिया आता है तभी तो किसी काम की शुरुआत होती है। तो ऐसा विचार या ऐसा आइडिया किसी एक व्यक्ति को या किसी एक से अधिक व्यक्तियों को आ सकता है। तो प्रवर्तन का मतलब क्या हो गया, विचार। अब जिस व्यक्ति को या जिस समूह को ये विचार आता है तो वो अपने विचार को एक साकार रूप देने के लिए काम करने लगता है और कुछ इस तरीके से फिर उसका नाम हो जाता है प्रवर्तक। मतलब कि कंपनी का काम करने वाला या अपने विचार को साकार रूप देने वाला व्यक्ति प्रवर्तक। जैसे आपने मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी इन सब के नाम सुने हैं, वो सब क्या है, उनकी कंपनियों के प्रवर्तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसे हुआ कंपनी का जन्म, प्रवर्तन से, मतलब एक विचार से। किसी व्यक्ति को काम करने का आइडिया आया फिर उसने काम को एक साकार रूप दिया। तो कुल मिला के कंपनी का यहाँ पे क्या अर्थ हो जाता है कि कंपनी व्यक्तियों का एक संघ है। संघ का मतलब फ्रेंड्स होता है यहाँ पर समूह, और समूह किसका माना जाएगा यहाँ पर व्यक्तियों का, ना कि जीव जंतु पशु पक्षियों का, क्योंकि उनका भी समूह होता है। लेकिन जब काम करने की बारी आ रही है तो यहाँ पर अपन किसको लेंगे, व्यक्तियों का समूह। और ये समूह भी कैसा होता है फ्रेंड, ऐच्छिक, मतलब इच्छा से व्यक्ति इसमें काम करने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो क्या है, कंपनी व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ होती है जो सामान्य उद्देश्यों के लिए स्थापित की जाती है। मतलब हर एक कार्य करने का एक पर्पस तो होता है। कोई व्यक्ति अपने नाम के लिए काम करता है, कोई व्यक्ति जन कल्याण के लिए काम करता है, ऐसे सबका अलग अलग पर्पस होता है। तो उसी तरीके से कंपनी व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ हो जाती है जिसमें सभी सदस्य अपनी इच्छा से उस कंपनी के सदस्य बनते हैं और कंपनी का जो भी उद्देश्य है, ठीक है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम करने लगते हैं। और उसमें जितने भी सदस्य होते हैं उनका दायित्व कैसा होता है, सीमित। अब दायित्व दो प्रकार के होते हैं, सीमित और असीमित। सीमित दायित्व का मतलब होता है कि सदस्य जितना पैसा लगाता है उस राशि तक ही उसके दायित्व होते हैं, या उस सदस्य को कंपनी में जितना पैसा देना है, जो कुछ तय हुआ था या जो कुछ उसका बकाया है उधार है वही वो कंपनी को देगा। कब, अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है तब, उसकी संपत्ति बीच में नहीं लाई जाएगी। और असीमित दायित्व का मतलब होता है कि असीमित दायित्व उस व्यक्ति का होता है जो किसी बिजनेस का मेन मैनेजर होता है या उसकी कंपनी होती है या वो बिजनेस को ऑपरेट करता है। तो जब किसी प्रकार का लॉस हो जाता है तो वो उस सब की भरपाई अपनी संपत्ति से करता है। तो यहां कंपनी के जो भी सदस्य उनका दायित्व कैसा हो जाएगा, सीमित, ठीक है। इस चित्र में देखो, जैसे अपन यहां पे इस पर्सन को कंपनी का क्या मान लेते हैं, प्रवर्तक मान लेते हैं, जो क्या कर रहा है, जो भी एक विचार आया उस विचार को साकार रूप दे रहा है। फिर ये क्या करता है कि कंपनी के जो ये अंशधारी होते हैं, जो कंपनी के अंशों को खरीदते हैं, तो इनसे डायरेक्ट नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं ये किस किस से मिले। तो उसके लिए क्या करता है, ये कुछ प्रबंधकों का चुनाव कर देता है जिनके माध्यम से इन सबसे सारे काम किए जाते हैं। ये केवल समय समय पर कंपनी की मीटिंग वगैरह होती है या अंशों से संबंधित सारे कामों में लगा होता है। अब जानेंगे हम इसकी विशेषता कि कंपनी की क्या क्या विशेषता होती है। फर्स्ट, कंपनी क्या हो गई, एक कृत्रिम व्यक्ति, ठीक है। सेकंड, इसमें दिया सीमित दायित्व। थर्ड है स्थायी अस्तित्व। फोर्थ है सारू मुद्रा। और फिफ्थ है कंपनी का समापन। मतलब इसकी विशेषता में हम जानेंगे कि कंपनी को कौन सा व्यक्ति बोला गया है, इसकी दायित्व क्या होते हैं, इसका अस्तित्व कैसा होता है, इसकी शुरुआत और इसका समापन कैसे हुआ, और ये अपने काम किसके माध्यम से करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट पॉइंट से हम जानेंगे इसमें कृत्रिम व्यक्ति की कंपनी को क्या बोला गया है, यहाँ पर एक कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब होता है फ्रेंड्स
आर्टिफिशियल कि मतलब ये इंसानों की तरह दिखती नहीं है कंपनी, ना तो ये बात करती है, ना ये चलती है, ना ये खाना खाती है, ना ही ये बढ़ती है, लेकिन ये व्यक्ति की तरह काम सारे करती है। क्या बोला मैंने कि यह व्यक्ति की तरह हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन काम ये सारे व्यक्ति की तरह करती है। कौन कौन से काम करेगी? जैसे ये व्यक्ति की तरह क्रय विक्रय भी करेगी, अनुबंध भी करेगी। ये सारे काम किसके माध्यम से करेगी? ये अपनी सारो मुद्रा के माध्यम से। सारो मुद्रा का मतलब होता है फ्रेंड्स एक कॉमन सील। जैसे सील आपने देखी होगी कि स्कूल का प्रिंसिपल भी, स्कूल के कोई भी आपके फॉर्म वगैरह होता है तो उस पर स्कूल की सील लगाता है, जिसपे स्कूल का नाम लिखा होता है, है ना। तो उसी प्रकार से कंपनी की भी एक सील होती है जिसको अपन बोलते हैं सार्व मुद्रा हिंदी में, और इंग्लिश में अपन बोलते हैं इसको कॉमन सील। कि ये व्यक्तियों की तरह दिखाई नहीं देती है और लेकिन ये व्यक्तियों की तरह काम सारे करती है, क्रय विक्रय करती है, लेन देन मतलब अनुबंध वगैरह सारे काम करती है। किसके माध्यम से? सार्व मुद्रा के माध्यम से। इसलिए कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति कहा गया है। सेकंड है इसमें सीमित दायित्व। कंपनी के जो भी अंशधारी है उनका दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों तक ही सीमित रहता है। अगर कभी कंपनी को हानि हो जाती है तो ऐसी स्थिति में अंशधारी अपने निजी संपत्ति से भुगतान करने के अधिकारी नहीं होते हैं। एग्जाम्पल से देखो, जैसे कि राम है, इसने ABC कंपनी के कितने अंश खरीदे? 1000 अंश, और एक अंश कितने का था? 10 रुपये का। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया? 10,000 रुपये। अब राम ने क्या किया? 7 रुपये के हिसाब से कितने? 7,000 रुपये का भुगतान कर दिया। तो यहाँ पे राम को अब कितने रुपए देने? कंपनी को ओनली 3,000 रुपये। तो कंपनी को जब लॉस हुआ है तो राम केवल कंपनी को 3,000 रुपये देगा। इसके अलावा राम का और भी कोई भी दायित्व नहीं है। फिर देखो स्थाई अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब होता है फ्रेंड्स नाम, कि कंपनी का नाम हमेशा रहता है। अगर कंपनी का जो लास्ट सदस्य होता है, जो अंतिम मेंबर्स होता है, अगर उसकी भी डेथ हो जाएगी तो भी कंपनी अस्तित्व में रहती है, उसका नाम हमेशा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर कंपनी का अस्तित्व कैसा है? स्थाई। कंपनी के सदस्यों की मृत्यु, दिवालियापन, पागलपन या का इसके अस्तित्व कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी स्थापना किसके माध्यम से होती है? कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत विधान के द्वारा, मतलब कानून के द्वारा ही इसको स्थापित किया जाता है और वही इसका समापन करेगी। अगर सभी सदस्य भी मिलकर डिसीजन ले ले कि अब हमें काम नहीं करना है, कंपनी को बंद करना है, तो भी कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी विधान के द्वारा ही बंद होगी। ठीक है फ्रेंड्स, एंड लास्ट के 2 पॉइंट्स और देखो, लिखा है इसमें सार्व मुद्रा। हमने पढ़ लिया था कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, मतलब ना तो ये बात करती है, ना चलती है, ना बढ़ती है, लेकिन काम सारे व्यक्तियों की तरह करती है। तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण हस्ताक्षर नहीं कर सकती। अब हस्ताक्षर किसके माध्यम से करती है? ये सार्व मुद्रा के माध्यम से। ठीक है, इसलिए इसकी एक सार्व मुद्रा होती है जिस पर कंपनी का नाम अंकित रहता है। कंपनी द्वारा किए गए प्रत्येक व्यवहार पर सार्व मुद्रा होना आवश्यक है, मतलब वो सील होना आवश्यक है। अगर ऐसी सील नहीं लगी गई तो वह कार्य कंपनी द्वारा किया हुआ नहीं माना जाएगा। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, ये व्यक्तियों की तरह काम तो करती है लेकिन ये दिखाई नहीं देती। ये अपने होने का सबूत किसके माध्यम से देती है? अपनी सील के माध्यम से। ना होकर भी ये हमारे बीच में होती है और सारे काम करती है। अगर किसी भी फॉर्म्स पर या किसी भी बात पर अगर कंपनी की सील नहीं होती है तो वह कार्य कंपनी का नहीं माना जाता। एंड लास्ट देखो, कंपनी का समापन, मतलब कंपनी की स्थापना किसके माध्यम से हुई? कंपनी अधिनियम 1956। ठीक है, तो उसी तरीके से जिस प्रकार कंपनी का जन्म विधान के द्वारा होता है, उसी प्रकार उसका समापन भी विधान के द्वारा होता है। कोई भी व्यक्ति आपस में डिस्कस करके, आपस में अपने अनुसार फैसला लेकर कंपनी का समापन नहीं कर सकते, भले कंपनी का जो लास्ट सदस्य उसके भी मृत्यु हो जाए या कंपनी दिवालिया हो जाए तो भी विधान द्वारा ही उसका समापन होगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमने कंपनी का अर्थ और उसकी विशेषताओं को जाना। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।